श्रीवास्तव के साथ दो खास मेहमान हैं अजीत, उनके बजट पर प्रतिक्रिया ले, जानिए कि वो बजट को कितने नंबर दे रहे हैं और बेहद संक्षेप में। बिल्कुल साथ तो पहले दीपक जी हम यहीं से जानेंगे सबसे पहले कि रहेजा, हाँ बिल्कुल रहेजा ग्रुप के चेयरमैन है हमारे साथ नवीन रहेजा जी। रहेजा जी सबसे बड़ी बात, कितना नंबर देना चाहेंगे आप बजट में जो बजट पेश हुआ है? फ्रॉम रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव मैं कोई भी नंबर नहीं देना चाहूंगा। इसमें रीजन क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा चीज नहीं आया जिससे इंडस्ट्री को कोई चीयर मिले अदर देन रीट। रीट में भी वो मेनली जिनके पास कमर्शियल एसेट्स हैं लीज आउट करने के लिए, खाली उन्हीं को बेनिफिट होगा। रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडस्ट्री इन द कंट्री जो है, मेरे ख्याल से अदर देन आपने सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया है, आपने मार्जिनली एक्साइज को बढ़ा दिया है, तो उससे उल्टा और महंगा। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत टफ टाइम से निकल रहा था, हम सोच रहे थे कुछ ना कुछ एडवांटेज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसमें कोई थोड़ी सी भी रियल एस्टेट सेक्टर को हैंड होल्डिंग या ब्रीदर मिला हो। चलिए हमारे साथ बैंकिंग सेक्टर से भी हैं एआरसीएल से सीओ हरी मिश्रा जी, ये सब आप कितना नंबर देना चाहेंगे जो बजट पेश हुआ है? आई विल गिव 8 out of 10। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बजट एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड इट टू अ कंसीडरेबल एक्सटेंट, बट इन बैंकिंग व्हाई 8 नंबर? 8 नंबर ही क्यों, क्यों रीजन क्या है? बिकॉज व्हाइल इट मेक्स अ रोड मैप देयर आर स्पेसिफिक्स व्हिच आर मिसिंग। फॉर एग्जांपल आई वुड जो बैंकिंग के बारे में मेरा दो तीन ऑब्जर्वेशन ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम देर इज ए इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट फॉर आरबीआई इन अकॉर्डेंस विद प्रैक्टिस फॉलोड इन यूएस फेड एंड अदर्स, बिकॉज स्टेबल डेवलपमेंट इज ए की एस्पेक्ट ऑफ एनी माइक्रो एनवायरमेंट। सो दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑफ 6% फॉर आरबीआई, दिस इज ए न्यू चैलेंज फॉर आरबीआई एंड इट विल मेक आवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी attractive for the foreign investors, number one. But as far as other commercial banking aspects are concerned, there are three areas. One, this ek Jandhan mobile jo trinity hai, that wo rural economy ko kafi boost up karega, the direct benefit transfer ho sakta hai, leakages should be checked, and finance minister has announced the setting up a bankruptcy reforms committee in line with chapter 11 of US bankruptcy code. This will go a long way in addressing non performing assets. However, चलिए एसोचैम से क्या राय निकलकर सामने आ रही है वो इस वक्त आपने देख ली, और वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद उनकी बहन क्या कह रही हैं वो भी सुन लेते हैं। बजट पेश कर दिया, हमारे साथ अरुण जेटली की बहन है जो लगातार बजट को ध्यान से रखी गई थी और खास तौर पर आई थी बजट सुनने के लिए। बजट कैसा रहा?